नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। इस बैठक में सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। सभी हमारे अभियंता लोग, चीफ लोग, सभी लोग जो है यहाँ पे आज झील के संबंध में आ रखे हैं, तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि हमारा नारा होता है, मोदी जी का भी, हमारा सभी का नारा है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी किसी के काम नहीं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी बहन ने बहुत सही कहा कि वहां पे झील बने, जरूर बने, कोई बात नहीं। हालांकि वो बोले थे नहीं बनीचे, लेकिन विकास कार्य को हम नहीं रोक सकते हैं। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, माननीय महाराज जी का प्रोजेक्ट है, लेकिन उनकी भी जो पीड़ा है, संवेदना है, उसको भी लिखा जाए और वो कार्य रूप में आना चाहिए। क्योंकि बहन जी ने कई बार महाराज जी के सामने भी ये बात रखी है कि नौगांव कमुंदा में पानी की सुचारू व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ से पूर्व मीनार जा रही है, उधर से पश्चिम मीनार आ रही है। तो इसलिए बोल रहे पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, तो हमारे तो कुछ काम नहीं है ना, कहा ना हमारे काम जो है। चलो ये सरकार को हम नहीं खोज रहे क्योंकि हमने सरकार में है, हम भी भाजपा वाले, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब बाप को बेटा बोलेगा मेरे को ये चीज चाहिए तभी मिलेगी, जब बेटा नहीं बोलेगा तो यार चलो यार चल रहा है भाई, चल रहा है, चल रहा है। तो हम सभी लोगों की यही पीड़ा है, बने, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की उपेक्षा न की जाए और क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी दिया जाए योग्यता अनुसार। हमने डिग्री कॉलेज भी बनाया था, एक हम पल्लीछाल बना हुआ है, एनएच के ऊपर बना हुआ है, 1 करोड़ रुपया हमारी सरकार का उसमें खर्च हो चुका है और डिग्री कॉलेज वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। क्या करना है, ऐसे बना के ऐसे विकास कार्य को करके क्या करना है? वो डिग्री कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव में बन गया है दोबारा, ठीक है बन गया है, हमें कोई विरोध नहीं है, सरकार है, शासन है, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए जो हमारी सरकार के, हमारा गया है, वो जनता का पैसा होता है, जनता का पैसा होता है, हमसे जो टैक्स लगता है जनता का पैसा है। तो वो बिल्डिंग मैंने माननीय महाराज जी को भी कहा था, महाराज जी की वो बिल्डिंग वहां पर पड़ी है, उसका उपयोग करो भाई कुछ। परसों ही महाराज जी को बच्चों ने घेरा कि हम नहीं जा रहे वहां, हरा सर नहीं जा रहे भाई। तो इस सरकार की धुलमुल रीति रवैया, जो सरकार जो मुखिया है वो अपनी नीति बनाता है, हम कार्यकर्ता है, हम जो है पीछे जाते हैं, सभी लोग हमें बोलते यार क्या हो तुम, हमारे इतना सा काम नहीं हो रहा, काम हो तो वो अधूरा है। इसलिए मैं सभी लोगों को, सभी मान्य लोग हैं हमारे, ठीक है, आप कोई जेई है, इंजीनियर है, वो है, आप लोगों ने बड़ी मेहनत से पढ़ा है, पढ़ाई लिखाई की है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम लोगों की पीड़ा आप लोगों को ध्यान में रखिए। और झील तो बननी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक भाई ने कहा कि भाई नौगांव कमुंदा में अगर झील बनेगी तो डूब जाएगा वो, ऐसा हो सकता है, अगर सही काम नहीं हुआ तो पानी ऊपर बढ़ जाएगा तो कुछ खतरे हो सकता है। लेकिन विकास कार्य को हम रोक जो है ना, इसमें हम रोक नहीं सकते। इसलिए मेरा कहना यही है कि बननी चाहिए झील, बहुत अच्छी बात है, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे भाई सतुल में, चलो भाई है झील देखने जाएंगे, नौका विहार करेंगे, कुछ करेंगे, रोजगार मिलेगा। लेकिन सरकार गलत काम न करे, सरकार हमारी है, सभी लोगों की है, चाहे कांग्रेस की है, बीजेपी, किसी की भी है, हम जनता की सरकार है, गलत काम नहीं होना चाहिए। सब लोगों का संज्ञान में लेके वो बहन ठीक कर रही थी कि जमीन पूरी हम लोगों की, मलेठी नौगा हम लोगों की है, नाम सतुली का है, चलो खैर तो सरकार की वो है भाई, कर दिया उत्तरांचल से उत्तराखंड बना दिया, उतार बात है, लेकिन उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हो, ऐसे प्रोजेक्ट बनाइए जो कि जनता को भी नुकसान न हो और रोजगार भी बढ़े, पर्यटन बढ़े। ये माननीय महाराज जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो हम लोगों की पीड़ा है वो भी आप लोगों को अपने संज्ञान में रखनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।